जाना और आप सभी को दिवाली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली और उससे पहले कई ऐसे मौके आते हैं जब आप जमकर खरीदारी, जमकर शॉपिंग करते हैं और मौका भी है तो क्यों ना करें। तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूरे बाजार रहते हैं रोशन और आज हमारे इस मेगा शो में हमारे साथ कई सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं और इन एक्सपर्ट से हम पूछेंगे कि दिवाली पर कैसे करें शॉपिंग और आगे की प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही देश भर से अपने रिपोर्टर्स के जरिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिवाली कैसे मनाई जा रही है, क्या है इस बार दिवाली पर मूड, क्या ये दिवाली इकोनॉमी, आम लोग, ट्रेडर्स और कंपनियों के लिए फायदे वाली साबित हो सकती है। तो एक घंटे आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि दिवाली के मौके पर ना सिर्फ आप सोने की खरीदारी करते हैं बल्कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग यहाँ पर गाड़ियां खरीदते हैं, कई लोग घर के सजावट का सामान भी खरीदते हैं और अगर आप खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो कई लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के भी टिप्स अपने इस खास शो के जरिए हम आपको देने जा रहे हैं। तो वाकई इस दिवाली खूब धन भर से यही हम लगातार आपके लिए बार बार विश कर रहे हैं और यहाँ पर हम मूड जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार पिछले साल के मुकाबले जो आपके खरीदारी के जो हैबिट्स हैं उसमें कितना बदलाव आया है। आपको ये बता दें कि एसोचैम की जो एक सर्वे है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार लोगों की स्पेंडिंग में थोड़ी कमी जरूर आई है। इसलिए हम ये जानने की लगातार कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है जिससे कि लोग इस बार दिवाली पर थोड़ा कम खर्च कर रहे हैं, क्या वाकई ये सच्चाई है, क्योंकि एसोचैम ने तो सर्वे किया है और उसमें हर एक इनकम ग्रुप के लोग शामिल हैं। और इस एक घंटे के शो में हम वाकई इस बात का रियलिटी चेक लेने जा रहे हैं कि आखिरकार जनता में मूड क्या है और सेक्टर्स में मूड क्या है इस पूरे दिवाली के मौके को लेकर। क्या आप इस बार दिवाली पर कहां पर ज्यादा सबसे ज्यादा स्पेंड करने जा रहे हैं ये अपने इस खास शो में हम आपको बताने जा रहे हैं और कुछ ऐसे टिप्स भी जैसे कि आप सोना खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर कहीं पर घूमने जाना चाहते हैं वहां पर कौन कौन से डेस्टिनेशन हॉट है, कैसी डील्स आपके लिए यहाँ पर मिल रही है, ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन शॉपिंग में आपके लिए क्या ऑप्शन है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कौन तमाम मेहमान जुड़ गए हैं सबसे पहले परिचय आपसे करा दे। सबसे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास शो में और हम आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान इस शो में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ है टूटू धवन जी, ऑटो एक्सपर्ट। दिवाली का ऐसा मौका जब लोग बढ़ चढ़ कर गाड़ियों की खरीदारी करते हैं तो मूड जानेंगे कि आखिरकार इस बार लोग गाड़ियों को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है और ऑटो सेक्टर जो है इस बार अपने नंबर्स के दम पर क्या कहता है। हमारे साथ विश्वजीत पराशर जी भी हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेड मार्केटिंग बजाज कैपिटल है। पर्सनल फाइनेंस, दिवाली से दिवाली तक का निवेश, दिवाली पर निवेश काफी शुभ माना जाता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स और कहां कहां पर आपको कैसे निवेश करना है इसके टिप्स हम जानेंगे विश्वजीत पराशर जी से। हाँ, आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाजार के क्या है हाल, इस बार कैसा है मूड, ये जानने के लिए हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेक चंदानी जी हैं और साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी, धर्मगुरु हैं और दिवाली की जो खासियत होती है, जो उसकी महत्ता होती है उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ ये तमाम मेहमान मौजूद है। आप सभी को दीपावली के इस पर्व की बेहद ही हार्दिक शुभकामनाएं और जनता का मूड जानने के लिए लोगों में किस तरह इस बार एक्साइटमेंट है, क्या इस बार बदला है, दिवाली के मौके पर यही बताने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं और एक एक करके परिचय कराए कि कहां कहां से कैसा रियलिटी चेक हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं। एसोचैम ने जो एक सर्वे किया उसमें ये भी कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार लोग कम खर्च कर रहे हैं तो मतलब स्पेंडिंग कम है, तो क्या ये पैसा निवेश में जा रहा है। विश्वजीत जी, आप बताइए कि क्या ट्रेंड यहाँ पर उभर कर आ रहा है, लोग अगर कुछ इवेंट्स की वजह से कम खर्च कर रहे हैं तो वो क्या वाकई पैसे बचा रहे हैं और ये जो बचा हुआ पैसा है इसको कहाँ बेहतर ढंग से निवेश करें, ये लोगों को टिप्स दे दीजिए। बिल्कुल स्वाति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली अगर देखें तो ट्रेंड, इक्विटी मार्केट देखें तो अभी तक ऑल टाइम हाई पे चल रही है
और गोल्ड में भी जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बताया, वो भी 5,400 करोड़ के गोल्ड बॉन्ड्स बिके हैं जिसमें 2.5% रिटर्न भी मिल रहा है। एक स्मार्ट तरीका है गोल्ड खरीदने का, क्योंकि धनतेरस के दिन सब लोग गोल्ड खरीदते ही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हम लोग सोचते हैं गोल्ड ज्वेलरी में खरीदते हैं वो एक अच्छे रिटर्न्स नहीं होते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी चार्जेस और उसको सेफ कीपिंग रखना ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो आज की तारीख में काफी इवॉल्व हो गए हैं कस्टमर्स और वो गोल्ड बॉन्ड्स में ले रहे हैं, ETFs में ले रहे हैं, ताकि उनको सिक्योरिटी की कोई टेंशन ना हो और कोई मेकिंग चार्जेस का कोई टेंशन ना हो। जहां तक कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात है, तो नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 100 रुपए है निवेश करने के लिए तो 10 रुपए आप गोल्ड में रखें एज एन इंश्योरेंस, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आते हैं। और ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि पैसा कंट्री के लिए भी अगर आप सोचते हैं तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है, यानी कि हम बहुत सारा पैसा बाहर के देशों में भेज देते हैं और गोल्ड खरीदते हैं, तो और वो पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है, तो इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर आप गोल्ड निवेश करना चाहते हैं तो 10% अपना निवेश कर सकते हैं और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में करें जहां पे इकोनॉमी भी पॉजिटिव हो, आपको 2.5% रिटर्न भी मिले और जब चाहें आप गोल्ड खरीद सकते हैं, उस सेम रिटर्न्स आपको गोल्ड के मिलेंगे। इसके अलावा मेरे जो एक सलाह रहती है एज ए फाइनेंशियल प्लानर, क्योंकि दिवाली का टाइम स्पेंडिंग जैसे हम बोलते हैं, इंडिया एज एन इकोनॉमी सेविंग इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, तो हम 30% के करीब सेव करते हैं अपनी इनकम का, बट धीरे धीरे हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं और स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इंपल्सिव बाइंग जो होती है, जब मॉल्स में जाते हैं, कुछ स्कीम्स चल रही हैं, डिस्काउंट्स चल लग रहे हैं, तो लगता है कि बड़ा अच्छा है, हिडन चार्जेस हमें पता नहीं होते हैं, तो हम बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। और ये जो इजी मनी है, क्रेडिट कार्ड्स जो हम जिनके थ्रू हम बड़े इजीली खरीद लेते हैं, तो वो एक अपने आप में एक डेट ट्रैप बन जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अगर आप इंटरेस्ट चार्जेस देखें तो 36% के करीब साल का इंटरेस्ट है। तो अगर आप, मेरा सलाह ये रहती है, अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो 40 रुपए से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए, ताकि आप किसी डेट ट्रैप में ना पड़े। क्योंकि अगर आपने ये बढ़ा लिया, जैसे कि अगर आपने कार ली तो बहुत अच्छी बात है, कार लेनी चाहिए, लेकिन कार के साथ ये भी देखें कि फ्यूल चार्जेस भी हैं, मेंटेनेंस चार्जेस भी हैं, कुछ पार्ट्स रिप्लेस भी किए जा सकते हैं, तो वो सब मिला के अगर आप कार खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंपल्सिवली खरीद रहे हैं तो हो सकता है आपके बाकी फ्यूचर प्लान्स, रिटायरमेंट या बच्चों के चाइल्ड प्लान्स वगैरह थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर दिवाली पे कोई घर, कोई कार खरीदना चाह रहा है तो हमारे एक्सपर्ट भी है ललित जी और टूटू जी, वो शायद आपसे पूछे, भाई लोग तो इतना एक्साइटेड होकर गाड़ियां और घर खरीदना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो पैसा बचा के उसको इन्वेस्ट कीजिए। वेल, अपनी अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और अपने अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज होते हैं ये करने के। आपके पास भी आएंगे ललित जी और जानेंगे कि आखिरकार अपने सपनों का घर आप कहाँ खरीद सकते हैं और कैसे एक्चुअली इस त्योहार से इसकी शुरुआत करें। लेकिन सबसे ज्यादा खरीदारी जो त्योहार पर लोग करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी, अपने घर के लिए टीवी, फ्रिज और ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने का ये मौका बेहतरीन होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बेहतरीन ऑफर्स भी होते हैं। तो मेरे सहयोगी राहुल यहाँ पर मुंबई से बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर इस त्योहार पर लोगों के बीच में क्या मूड है, बताइए राहुल।